आज हम फिर पढ़ते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दिया है यूट्यूब पे उस पर आपको मिल जाएगा। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स डाउनलोड करने के बाद आप ये लेक्चर देखिए। एज पर सेक्शन 45(5)(1) ऐसा बोलता है, सेक्शन 45 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स कैपिटल गेन इफ टू कंडीशन आर सेटिस्फाई। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कैपिटल गेन आएगा। पहला, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट होना चाहिए। और दूसरा, देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, उस कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट, अब आती है बात किसकी, कैपिटल एसेट क्या है। तो कैपिटल एसेट डिफाइन किया गया है 214। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन, मूवेबल है या इमूवेबल है, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, बट डज नॉट इंक्लूड, ये सारी चीज इंक्लूड नहीं होती। इसको हम पढ़ लेंगे कैसे, मेमोरी टेक्निक, गुड मॉर्निंग ग्रास। तो गुड मॉर्निंग ग्रास में क्या नहीं आता, चलो आओ देखते हैं हम। तो कैपिटल एसेट के अंदर क्या नहीं आता, जी गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। दूसरा है एम फॉर मोबाइल पर्सनल एसेट नहीं आता। तीसरा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाला नहीं आता। चौथा है स्पेशल बेरर बॉन्ड नहीं आएगा, स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया नहीं आएगा। अगर अब अर्बन है तो देखेंगे। नेक्स्ट बात आती है, फॉलोइंग आर द मोबाइल पर्सनल एसेट, ये मोबाइल पर्सनल है लेकिन इनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आएगा। अभी आपने कहा सर नहीं आएगा पर्सनल एसेट ट्रांसफर करने पे, लेकिन मोबाइल पर्सनल एसेट है फिर भी इनके ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन आएगा, विल बी कैलकुलेटेड। कौन सा एसेट है, ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन और एनी अदर वर्क्स ऑफ आर्ट। ज्वेलरी आपको पता है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बात आते हैं हम किस पे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। असेट्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ असेसी, जैसे पर्सनल हमने बात की तो पर्सनल क्या है, टीवी है, कार है, मोबाइल है, ये नॉट ए पर्सनल एसेट, सॉरी नॉट ए कैपिटल एसेट, मतलब ये पर्सनल है तो इस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेकिन ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग जो ऊपर अपने पढ़ा ना, ये कैपिटल एसेट है, पर्सनल है तो क्या हुआ, कैपिटल एसेट है और इस पे सीजी आएगा, कैपिटल गेन। गोल्ड यूटेंसिल, गोल्ड का बर्तन है तो वैसे भी हार्मफुल है गोल्ड के खाने में, विज्ञान प्रूव करता है, इसके लिए आप गोल्ड को हम क्या मानेंगे, पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे। गोल्ड यूटेंसिल को, सिल्वर बार हुआ, सिल्वर कॉइन हुआ, इसको नहीं मानेंगे और इस पे सीजी अप्लीकेबल है। सिल्वर यूटेंसिल, सो चांदी के बर्तन में खाना खाओ चलेगा भाई, तो पर्सनल इफेक्ट मानते हैं, इस पे सीजी नहीं आएगा। नेक्स्ट बात आते हैं, कार यूज इन द बिजनेस, अभी कार पर्सनल है लेकिन कार अगर बिजनेस पर्पज में यूज होती है तो उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे और उस पे कैपिटल गेन आएगा। नेक्स्ट बात आती है किसकी, ज्वेलरी क्या होता है, ज्वेलरी मतलब ऑर्नामेंट, कोई भी ऑर्नामेंट है मेड जो गोल्ड से बना है, सिल्वर या पेंटियम प्लैटिनम या एनी अदर प्रीसियस मेटल, जो भी मेटल है, या एनी अलॉय कंटेनिंग सच मेटल, कुछ अलॉय प्रीसियस स्टोन है, पत्थर पोखरा ये सब, वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर यूटेंसिल और एनी अदर आर्टिकल, फिर भी उसको ज्वेलरी मानेंगे हम। डिफाइन अर्बन एरिया, ऊपर हम बने बात किया ना, किसकी बात की, देखो किसकी बात की थी ऊपर, याद है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर रूरल, एग्रीकल्चर रूरल एरिया कितना है, तो रूरल वो है जो अर्बन नहीं है, तो अर्बन क्या है वो डिफाइन किया गया है। एनी एरिया, कौन सा, म्यूनसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड एक्सेट्रा, एनी एरिया विच हैज पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा तो उसे हम मानेंगे अर्बन एरिया, 10,000 या उससे ज्यादा है तो अर्बन एरिया मानेंगे। अब एक बात आती है, अर्बन एरिया तो उसको मानेंगे लेकिन उसके अलावा भी कोई अर्बन एरिया है उसके बाजू वाला, तो हाँ, तो उसके लिए दिया है लिमिट, दिया है एरिया विद इन डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, कैसे एरियली देखेंगे, अगर 2 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एरिया रिफर्ड इन पॉइंट ए, जो ए हमने बोला है म्यूनसिपल कंटोनमेंट बोर्ड है, यहाँ से अगर 2 किलोमीटर का गांव कोई है या कुछ है, मोर देन 10,000 पॉपुलेशन अप टू 1 लाख है, तो 2 किलोमीटर तक एरिया क्या मानी जाएगी, अर्बन एरिया। अगर वहाँ का पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा और अप टू 10 लाख है, तो वहाँ के 6 किलोमीटर की जो एरिया होगी
6 किलोमीटर तक एरिया है वो अर्बन मानी जाएगी। बट अगर हमारे पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है तो वहां से उस कंटोनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर की एरिया भी क्या मानी जाएगी, अर्बन एरिया मानी जाएगी। ये आपको छोटा सा डब्बा दिया, उसे आपको समझ में आया। पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, पॉपुलेशन मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख है तो 2 किलोमीटर की एरिया भी मानी जाएगी यहाँ से। पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से कम है, अप टू 10 लाख है तो 6 किलोमीटर की एरिया कंसिडर होगी। अगर मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर तक की एरिया कंसिडर होगी। किस में कंसिडर होगी, अर्बन एरिया। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी, रूरल एरिया, मैंने कहा ना जो अर्बन एरिया नहीं है। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर मीन्स चेंज ऑफ ओनर्स, ओनरशिप आपका चेंज होता है। तो सेल ऑफ कैपिटल एसेट, रिलिंक्विशमेंट किया कैपिटल एसेट को, कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, या कंपल्सरी एक्विजिशन कर गवर्नमेंट ने कर लिया, या एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट हुआ, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ कैपिटल एसेट हुआ, एस्टिंग्विशमेंट ऑफ राइट सॉरी, द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो ZCB जीरो कूपन बॉन्ड हुआ, ये सब ट्रांसफर है। अलाउिंग ऑफ पोजिशन ऑफ एनी इमोबल प्रॉपर्टी टू टेकन रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या एनी ट्रांजेक्शन लाइक बिकमिंग मेंबर ऑफ अक्वायरिंग शेयर्स कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो विद द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एंड इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, मतलब ये जो है ये एक तरीके से ट्रांसफर माना जाता है इनको सब। टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या है, दो टाइप के कैपिटल होते हैं याद है, सटक जी और लटक जी। अगर विद इन 12 मंथ लिस्टेड सिक्योरिटी या जीरो कूपन बॉन्ड या यूनिट्स ऑफ UTI या इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो अगर वो विद इन 12 मंथ है, 12 महीने या उससे कम, तो उसको शॉर्ट टर्म मानते हैं। बट 12 महीने से ज्यादा मतलब मोर देन, सर 12 महीने रहा तो भी वो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा रहा तो लॉन्ग टर्म। विद इन 24 मंथ हेल्ड किया क्या अनलिस्टेड शेयर या इमोबल प्रॉपर्टी, तो उसको हम शॉर्ट टर्म माना जाएगा, लेकिन 12 महीने से ज्यादा जैसे हुआ ना उसे हम मान लेंगे लॉन्ग टर्म। एक भी दिन हुआ तो भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। अदर एसेट के लिए क्या है, दो जो ऊपर है उसको छोड़ के 36 महीना तक किया मतलब 3 साल, तो क्या मानेंगे हम उसको, शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म बस। अब यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड फंड था, इसका मतलब होता है ओरिएंटेड फंड म्यूचुअल फंड इन विच मोर देन 65% इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में 65% जो म्यूचुअल फंड है ना उसका 65% अमाउंट इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसे बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड। नेक्स्ट बात आती है किसकी, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की, किसकी बात आती है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपको चार्ट पता ही है। ट्रांसफर एक्सपेंस लेस होगा, नेट कंसीलिएशन आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस होने के बाद में सटक जी बचेगा। अब लटक जी में क्या है, सिर्फ ये चेंजेस है, इंडेक्स लग जाएगा, इंडेक्स लगेगा क्यों, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म का क्या लेंगे हम, इंडेक्स लेंगे। इंडेक्स इस साल का कितना आपको पता है, 18-19 मतलब असेसमेंट ईयर 19-20 का है 280, इसके पहले था 272। तो नोट क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ेंगे हम, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको फॉर्मूला पता है कॉस्ट डिवाइड बाय इंडेक्स जिस साल आप ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब अगर इस साल में बेच रहे हो तो 280 डिवाइड बाय इंडेक्स जिस साल आपने परचेज किया था। सेम इम्प्रूवमेंट में भी देखो, ट्रांसफर ईयर और इम्प्रूवमेंट का ईयर, हो सकता है असेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 किया हो ना, इसके पहले खरीदा हो तो इसके पहले खरीदा हो तो इसके यहाँ तक 1/4/2001 से और 2 का हमें फेस दिया है, कितना दिया 100 दिया इंडेक्स, तो उसके पहले खरीदा हो तो क्या होगा, एनी एसेट परचेज बिफोर 1/4/2001 देन कॉस्ट देखेंगे और फेयर मार्केट वैल्यू 1 तारीख का जो है अप्रैल में 2001 का वो देखेंगे, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको हम मान लेंगे कॉस्ट। इम्प्रूवमेंट उसके पहले किया है तो 1/4/2001 के पहले किया तो इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे इग्नोर, क्यों, वो FMV में कंसीडर हो जाती है। नेक्स्ट बात आती है एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ए टाइम ऑफ परचेस ऑफ एसेट शुड बी ऐड करेंगे किसमें, कॉस्ट में, और अगर सेल के करते टाइम पे हुआ कुछ एक्सपेंस तो उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर एक्सपेंस मान लेंगे और सेल से क्या कर देंगे हम, डिडक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे, सेल ऑफ कैपिटल एसेट, तो सेल किया तो FVOC क्या होगा सेल में, सेलिंग प्राइस, बट रिलिंक्विशमेंट किया ना कोई भी एसेट मीन्स टू गिव अप और टू सरेंडर, किसी को सरेंडर किया या कुछ कर दिया FVOC किया,
तो जो सरेंडर प्राइस होगा ना, मतलब रेनंसिएशन प्राइस, रेनंसमेंट प्राइस, ऑलवेज कैलकुलेटेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्यों? कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी नील, इसमें मानेंगे। तो हमने सरेंडर किया, पर्टिकुलर टाइम होता है, छोटा टाइम होता है, इसके लिए हम इसमें क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो रिलिंक्विशमेंट हमेशा क्या मानेंगे हम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसका कॉस्ट हमेशा क्या होगा, नील होगा। नेक्स्ट बात आती है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक एंड ट्रेड। अगर कोई भी एसेट हम कन्वर्ट करते हैं स्टॉक एंड ट्रेड में, तो परचेज जिस दिन किया रहेगा तो हम ट्रांसफर करेंगे फिर, मतलब स्टॉक एंड ट्रेड में डालेंगे। सपोज मेरा दुकान था, मैंने ज्वेलरी की दुकान खोल दी, मेरे पास ज्वेलरी थी, मैंने ज्वेलरी का दुकान खोल दिया, तो मेरा कैपिटल एसेट ट्रांसफर टू स्टॉक एंड ट्रेड। बट हम यहाँ पे ट्रांसफर पे कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। कैपिटल गेन कब ट्रांसफर होगा, जब हमारे दुकान में रखा हुआ माल बिक जाएगा, है ना। तो जब बिक गया तो दो कैलकुलेशन, जो कॉस्ट था हमारा परचेज के टाइम पे, और इस दिन जिस दिन कन्वर्ट किया था उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हमारा एफवीओसी बन जाएगा, माइनस कॉस्ट करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाएगा। बट इस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे नहीं गया ना एफवीओसी, यही हमारा इस दिन का कॉस्ट बन जाएगा, और जो सेल प्राइस होगी उससे माइनस होगा, तो बिजनेस का क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। तो कन्वर्ट किया तो नहीं आएगा, जब सोल्ड करेंगे ये तो आ जाएगा, क्या आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एज वेल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा। और इस दिन का कन्वर्जन डेट जो होगा एफवीओसी इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन डेट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट हमें कंपल्सरी हमारा एसेट एक्वायर करती है, तो नॉर्मली टैक्स क्या होता है, कब लगता है, जब ट्रांसफर होता है। बट इन दिस केस कंपल्सरी एक्विजिशन में टैक्स उस साल लगेगा जिस साल कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट से रिसीव होता है। तो एफवीओसी हमारा क्या है, इनिशियल कंपेंसेशन और एनहांस कंपेंसेशन जो आएगा हमसे मिलेगा। सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि 10 लाख ले लो, हम 10 लाख ले तो लिए, हमारा इनिशियल कंपेंसेशन, लेकिन हमने केस किया कि गवर्नमेंट हमें 5 लाख और चाहिए, हमें सेटिस्फाइड नहीं है, तो एनहांस कंपेंसेशन जो भी मिला वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एफवीओसी। और कुछ लीगल खर्चा लगा वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा किससे, एफवीओसी जो हमारा रहेगा उससे। नोट पढ़ो क्या लिखा है, इफ कंपेंसेशन अमाउंट इज रिसीव इन इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो कैपिटल गेन हमारा कैलकुलेट होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जब हमने रिसीव किया, ये किसकी बात हुई, इनिशियल कंपेंसेशन। बट अगर एनहांस कंपेंसेशन मिलता है देन टैक्सेबल कब होगा, जब जब रिसीव होगा तब तक टैक्सेबल होगा, क्या, एनहांस कंपेंसेशन। एनी एनहांस कंपेंसेशन रिसीव टू इंटरिम ऑर्डर, कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर ऐसे ही दे दिया टेम्परेरी कि हाँ ठीक है इसको पैसे दे दो, लेकिन तब वो टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। वो टैक्सेबल कब होगा, जब जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, कौन किसका, कोर्ट का, तब वो टैक्सेबल होगा। आगे बताती है अगर कंपेंसेशन नहीं दिया या लेट दिया, तो लेट जब देते हैं तो उनको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपेंसेशन के ऊपर। तो इफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन कंपेंसेशन, तो या इनिशियल पे मिला या एनहांस पे मिला। इस पे एक केस लॉ भी है, मौलिया भाई, भिखू भाई, बाला भाई, उसका केस लॉ है, तो ठीक है, लेकिन हम लोग जितना है उतना ही पढ़ेंगे। इफ इंटरेस्ट इज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट कंपेंसेशन, तो इनिशियल से मिले चाहे एनहांस से मिले इंटरेस्ट, वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना होगा, कितना होगा, जो अमाउंट मिला होगा उसमें से 50% डिडक्शन अलाउड होगा 57 के अंदर। हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जब, तो उसके अंदर ये चीज डिस्कस की थी मैंने। नेक्स्ट बात आती है अगर हमने एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट किया, तो एफवीओसी हमारा क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू हमारा एसेट जो मैंने एक्सचेंज किया है उसका क्या हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू हमारा एफवीओसी मान लिया जाएगा। एक्सचेंज मतलब सपोज मैंने आपको कोई एसेट दिया और आपने मुझे उसके बदले जो एसेट दिया, जो आपने मुझे एसेट दिया उसका फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे आएगा, है ना। एसेट जो रिसीव हुआ उसका फेयर मार्केट वैल्यू हम एफवीओसी मानेंगे। एस्टिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन कैपिटल एसेट, आपने अपना अधिकार दे दिया पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनर कुछ ट्रांसफर करता है किसको, पार्टनरशिप फर्म को, तो फर्म जो बुक में रिकॉर्ड करेगी ना, जो बुक में रिकॉर्ड करेगी वही मान लेंगे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को कुछ देती है तो फिर मार्केट पे जाओ भाई, क्यों झोल हो सकता है। तो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया तो क्या लेंगे, बुक वैल्यू पे लेंगे, मतलब पार्टनर किस में लेता है, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड जो किया जाएगा फर्म में उसी, वही उसका क्या मान लेंगे हम, एफ बी ओ सी। देखो यहाँ पे देखो पी एफ एफ एम बी, है ना,
रेट ऑफ ट्रांसफर, पी एफ एफ एम ए, यहाँ पे पी बी पी बी पी बी ऐसे याद रखो। फिर बेसिक ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ क्या चार्ज होता है, सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन, ये आपको पता है। नेक्स्ट बात आती है चार्जेबल टू एक्स इन द ईयर, बट चार केसेस ऐसे हैं जहाँ ट्रांसफर के ईयर में टैक्सेबल नहीं माना जाता, लेकिन वो एक्सेप्शन है चार। देखो क्या है, कन्वर्जन किया स्टॉक इन ट्रेड में, तो जिस साल ट्रांसफर करेंगे उस साल कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में है। दूसरा, कंपल्सरी एक्विजिशन गवर्नमेंट ने किया या कोई भी लॉ ने किया, तो जिस साल ट्रांसफर होगा उस साल कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा, बाद में होगा। इंश्योरेंस से क्लेम डैमेज या डिस्ट्रक्शन पे मिला, कैपिटल गेन कैलकुलेट ट्रांसफर पे नहीं होगा, मतलब जिस दिन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय हुआ उस दिन कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा, भले ही एसेट वहां से या जल गई या कुछ खत्म हो गई हो, एसेट ना रही हो, फिर भी कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट जीडीए अग्रीमेंट होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे चारों। इस दिन अगर हम इस चार केस में हमने अगर ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर के टाइम पे कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। कब कैलकुलेट होगा, जब जब इसका रूल कहेगा, मतलब रिसीव पे कुछ ऐसा बोलेगा तभी कैलकुलेट होगा। पहला, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, बताओ ये ऊपर डिस्कस कर लिया कि नहीं किया, है ना, जब सोल्ड होगा तब। नेक्स्ट दूसरा बात आती है कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि जब उसका कंपनसेशन फटाफट मिलेगा तब। तीसरा, इंश्योरेंस क्लेम और डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, नॉर्मली कैपिटल गेन कब कैलकुलेट किया जाता है, जब डिस्ट्रक्शन एसेट ट्रांसफर हो जाए, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ क्लेम इज रिसीव, जब क्लेम रिसीव होगा तब तब इसका क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, है ना। तो ये इसकी वजह से, ये सब तो सुनामी है, अर्थक्वेक है, रेड्स, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, है ना। क्लेम इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव, अगर रिसीव हुआ तो ही होगा कैपिटल गेन, नहीं रिसीव हुआ तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे लिखा है। एफवीओसी क्या हो जाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिला, चाहे पैसे मिले हों चाहे एसेट मिले हों, जो एसेट मिले होंगे तो उसके फेयर मार्केट वैल्यू हम टोटल एफवीओसी मान लेंगे। कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट जेडीए, जेडीए क्या होता है फिलहाल देख लो, जेडीए मतलब क्या होता है कि कोई बंदा है जो रह रहा है घर, उसका जमीन है जो है, और कोई बिल्डर आता है बोलता है भैया आप अभी हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, और एग्रीमेंट कर लो तो एक एग्रीमेंट में हम लोग बन जाएंगे और हम आपके लैंड पे क्या बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, और उस बिल्डिंग से आपको दो रूम दे देंगे, और आपके जमीन में इतना हक आपका होगा और इतना हक मेरा होगा, ठीक है। तो वो मान जाता है, साइन कर देता है, लेकिन एसेट ट्रांसफर हो गया भाई, लैंड हुआ ट्रांसफर, हाँ हो गया, लेकिन कैलकुलेट कैपिटल गेन नहीं होगा, ठीक है। कब होगा, जब उसका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा, है ना, पार्ट होल या पार्ट, है ना, इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी जो उसकी होगी। जीडीए अप्लाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई है तो ही जीडीए आएगा, मतलब इंडिविजुअल एचईएफ होना चाहिए उसके लिए, अच्छा। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल गेन अराइज जब ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग या बोथ, दोनों ये ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर इज मेड किसी स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए, कंसिडरेशन ऑफ दिस इंक्लूड कंसिस्ट ऑफ शेयर्स इन लैंड, शेयर जो लैंड में है वो या बिल्डिंग में या दोनों प्रोजेक्ट का, है ना। नेक्स्ट, इफ असेसी हैज नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स इन प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ कंपिटेंस सर्टिफिकेट, है ना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और द होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, मतलब क्या कि ये अपना जो हम एग्रीमेंट में आ गए और पता लगा दो यूनिट मिलेगा या हमारा ये लैंड का इतना पार्ट है, वो किसी और को नहीं बेच देता सीसी आने के पहले, मतलब सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले अगर वो बेच देता ना तो वो जेडीए के अंदर नहीं आएगा भैया, फिर उसका ट्रांसफर पे ही कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब क्या कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने के पहले आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इफ द अबव कंडीशन सेटिस्फाइड द एफवीओसी इक्वल्स टू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, किसका, लैंड का और बिल्डिंग का, अगर दोनों थे तो दोनों, जो उस दिन डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट किया है उस दिन का लेंगे, प्लस अगर कुछ कैश में मिला है तो भी, वो हमारा क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सीजी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, उस साल कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। इफ द असेसी हैज ट्रांसफर हिज शेयर्स ऑन और बिफोर, जो मैंने बताया ना ऊपर यहाँ पे बिफोर ट्रांसफर किया, तो उस साल में उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे, टेक प्लेस। मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट क्या होता है, वही एग्रीमेंट जो है ना, पर्सन ओइंग लैंड, ये बोथ एक तहत हम लोग बंधे होते हैं विदाउट पेइंग ए पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन सच कैश, या पढ़ लेना समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट है कैपिटल गेन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। कैपिटल गेन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी इन लिक्विडेशन, सेक्शन 46 बोलता है कि लिक्विडेशन के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट होता है, हाँ होता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन पे इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर क्या होगा, क्योंकि ये बात किसकी है, 222 सी की, डीम डिविडेंड के अंदर माना जाता है ना अगर लिक्विडेशन के टाइम पे, तो शेयर होल्डर के हाथ में रिसीव जो पैसा होगा, जो मनी रिसीव होगा या अदर एसेट जो आया कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे, दे विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, है ना, ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिसीव ऑफ द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी। मतलब क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सीधा सीधा हिसाब इतना समझो, जो मनी आपको मिला, जो पैसा आपको मिला या जो एसेट मिला डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, वो दोनों को ऐड करेंगे और जो कंपनी के डीम डिविडेंड मान लिया गया 222 सी में, जो मैंने लेक्चर डाला उसमें देख लेना, जो मान लिया गया 222 सी के अंदर डीम डिविडेंड, उतना माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट बात आती है कैपिटल गेन ऑन बायबैक पे, तो 46 ए क्या बोलता है, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, एक मस्त चार्ट मैंने बनाया देख लो क्या है, टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, अगर इन लिस्टेड शेयर्स है तो क्या होगा और अनलिस्टेड शेयर है तो क्या होगा, तो लिस्टेड शेयर है तो कंपनी हाथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बायबैक किया था, लेकिन अनलिस्टेड शेयर है तो 115QA के अंदर कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, जितना इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो इनकम पे, समझ में आया, बायबैक के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जो होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या है, बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब क्या है, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे, तो लिस्टेड कंपनी में तो इसने अगर कुछ नहीं किया तो इसको करना पड़ेगा, 46A कैपिटल गेन इज अप्लीकेबल भैया, अगर शेयर लिस्टेड है तो तुम्हारे हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा, ऑब्वियसली इक्वल्स टू बायबैक प्राइस, प्राइस ऑफ होल्डिंग, है ना, सॉरी पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितना डेट का मानेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन, जब से खरीदा था टिल द डेट ऑफ बायबैक, उसे पता चल जाएगा सटक जी या लटक जी, और अगर अनलिस्टेड है तो कंपनी से ले लिया गया टैक्स तो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1034A में, ये देख रहे हैं ना आपका सेक्शन, इसमें एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक, तो इसके तहत आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे। यहाँ पर ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 ये बोलता है कि कोई भी इसमें जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो हम नहीं मानेंगे कि वो ट्रांसफर है, अगर ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन आते ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो सेक्शन 47 स्पेसिफाइज सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर फॉर पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, फॉर पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, सिर्फ इसी की बात की है, कैपिटल गेन क्या है, देखो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट, है ना, पार्शियल या HUF को दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना भाई, पार्टीशन हो गया HUF का, तो एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट गिफ्ट विल अपनी मर्जी से रिकॉर्ड ट्रस्ट को दिया तो, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन, याद रखना होली ओन सब्सिडियरी कंपनी को, कंडीशन इसका क्या है, होली ओन सब्सिडियरी 100% होना चाहिए और वो सब्सिडियरी कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी, मतलब जिसको ये एसेट मिल रहा है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इसका उल्टा सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को दिया तो 100% होल्डिंग होनी चाहिए, सब्सिडियरी मस्ट बी होल्डिंग, है ना, हेल्ड बाय 100% और होल्डिंग कंपनी यहाँ पे इंडियन होनी चाहिए, मतलब क्या, जिसको एसेट मिल रहा हो वो इंडियन होना चाहिए और 100% होल्डिंग होना चाहिए। एक्सेप्शन इन दोनों का क्या है, 2 और 3 का, नॉट अप्लाई इफ एसेट इज स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर किया, अगर स्टॉक इन ट्रेड में किया तो ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमालगमेशन अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटिंग कोई कंपनी थी वो अमालगमेटेड कंपनी जो बन रही है उसको दे रही है, तो सीधी सी बात है कि क्या प्रोवाइडेड अमालगमेशन क्या होना चाहिए, इंडियन कंपनी अमालगमेटेड कंपनी, मतलब जिसको आ रहा है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए और जो दे रहा है वो कोई भी देगा चलेगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे क्या मानेंगे हम, एक इसका केस लो था मंजुला जे शाह का, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये जितने भी ऊपर दिख रहे ना 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर है इसका सबका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या जो भी है इसके अंडर में आते हैं उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, क्योंकि इनका फ्री में आया इनका कोई असेट नहीं, अगर ये ट्रांसफर करेंगे तो इनका कॉस्ट तो मानना चाहिए ना कुछ, तो प्रीवियस ओनर का। और कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन क्या, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या मानेंगे, जो इसने प्रीवियस ओनर ने किया वो प्लस करंट ओनर ने अगर कुछ किया है तो, और पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का मानेंगे, ठीक।
अब एक बात देखो, इधर मैंने लिखा सीपीआई, क्या लिखा है सीपीआई, सी मतलब कॉस्ट, पी मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग, आई मतलब इंप्रूवमेंट, ये क्या होगा पीओ, सीपीआई इक्वल टू पीओ मतलब प्रीवियस ओनर। सिक्स बोलता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय द डिमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग, कोई डिमर्ज कंपनी थी जैसे टाटा ने अपना एक यूनिट था तनिष्क, उसको नाम दे दिया तनिष्क लिमिटेड, अलग कंपनी बना दी, तो उसमें रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी होनी चाहिए, है ना, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स रिजल्टिंग कंपनी, जो रिजल्टिंग कंपनी को हम इशू शेयर कर रहे हैं, किसके, डिमर्ज कंपनी के शेयर, इसको ट्रांसफर कर रहे उसके शेयर होल्डर को, तो क्या होगा, उसे अभी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन, अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर हो रहा है अमालगमेटिंग कंपनी, उसके शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं ना किसको, इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, अमालगमेटेड कंपनी, तो क्या होगा शेयर होल्डर को, तो क्या होगा कंडीशन, क्या अमालगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी होनी चाहिए, जिसको मिल रहा है भाई वो क्या होना चाहिए, अमालगमेटेड कंपनी क्या होना चाहिए, इंडियन, और कंसिडरेशन ऑफ अलॉटमेंट हिम एनी शेयर इन द अलॉट अमालगमेटेड कंपनी एक्सेप्ट वेयर द शेयर होल्डर इटसेल्फ इज अमालगमेटेड कंपनी, मतलब क्या, अगर मैंने एक देखो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, पढ़ लो समझ में आ जाए, लेट अस टेक इन वेयर केस वेयर द ए लिमिटेड, कोई बंदा है ए लिमिटेड जो इंडियन कोई बंदा नहीं कंपनी है, एंड इंडियन कंपनी है, होल्ड 60% किसका, बी का, और बी अमालगमेट्स विद ए, बी आ रही है ए के पास, ए लिमिटेड इटसेल्फ शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, कितना 60%, देन ए लिमिटेड बीइंग एन अमालगमेटेड कंपनी, ए लिमिटेड अमालगमेटेड कंपनी बन गई, ही कैन नॉट इशू, खुद को शेयर नहीं दे सकती भैया, 60% नहीं दे सकती खुद को, ठीक है, हाउएवर ए लिमिटेड हैज इशू शेयर्स टू अनदर शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड के जो 40% शेयर होल्डर बचे हैं उनको शेयर देगी कौन, ए लिमिटेड, अपने आप को शेयर नहीं देगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ रुपी डिनोमेटेड बॉन्ड आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट टू नेट, अरे एक बात बताओ, रुपी डिनोमेटेड बॉन्ड है, बाहर वाले आदमी ने बाहर वाले आदमी को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या जरूरत है ट्रांसफर मानने की, कैपिटल गेन नहीं आएगा, है ना, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की पीरियडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है आउटसाइड नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट को दे दिया, तो भी ये भी नहीं माना जाएगा क्या ट्रांसफर। नेक्स्ट बात आती है एनी ट्रांसफर ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑफ आरबीआई, इसे भी हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं, और जब ये रिडीम होता है कौन, इंडिविजुअल, तो मैच्योरिटी पे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो, एग्जम्प्ट हो जाता है। आगे बात है ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट एनी वर्क ऑफ आर्ट आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन साइंटिफिक, ये सब जो है मैंने स्क्रिप्ट, ट्रांसफर स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट किसको किसको किसको, ये सब टू गवर्नमेंट और टू यूनिवर्सिटी और नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्काइव और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम में दिया बाय नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ने अगर कुछ ऐसा करके रखा उसको ये सब दिए आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन साइंटिफिक कलेक्शन बुक ये सब, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट है ना फ्रॉम वन एनी फॉर्म ऑफ कंपनी शेयर्स डिबेंचर, तो ये कन्वर्जन भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर बाय ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी में लेके आया तो भी कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इनटू ट्रांजैक्शन रिवर्स मॉर्गेज, पता है बूढ़े लोग बूढ़े रिवर्स मॉर्गेज करते हैं बैंक को, भैया घर हमारा ले लो, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें हर महीने इतना अमाउंट देते रहना, तो ये भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा एज पर सेक्शन 1043। इसके तहत ये क्या है, जो भी पैसा आया सीनियर सिटीजन को, सिर्फ यहाँ पे नाम है सीनियर सिटीजन भैया, जो भी आया पैसा वो क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट बात आती है एनी ट्रांसफर बाय ए म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर और कैपिटल एसेट यूनिट हेल्ड बाय हिम कंसोलिडेटेड स्कीम म्यूचुअल फंड है ना, तो उसके तहत अगर कुछ भी अलॉटमेंट किया या कंसोलिडेटेड स्कीम में गया, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में गया है ना, बहुत सारी ग्रोथ स्कीम प्लान डिविडेंड स्कीम ये सब आते रहता है, तो स्कीम चेंज किया तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इट इज अलाउ मर्जर वन प्लान विद अनदर प्लान है ना इन द सेम म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर। अब अमालगमेशन के दो कंडीशन और है, याद रखो सारे एसेट और लाइबिलिटी किसके, अमालगमेटिंग कंपनी, जो कमेंट अमालगमेटिंग कंपनी है मतलब जो ट्रांसफर कर रही है जिससे जुड़ रही है उस कंपनी के, सपोज ए अमालगमेट हो रहा है बी के साथ, तो ए के सारे एसेट और लाइबिलिटी किसके बिफोर द डीमर्जर, बिफोर द मर्जर क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ बी की बन जानी चाहिए, और सारे शेयर होल्डर में से किसके, ए के सारे शेयर होल्डर में से 75% से ज्यादा या 75% शेयर होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड के बन जाने चाहिए,
अब नेक्स्ट बात करते हैं डीमर्जर। डीमर्जर में पहला कंडीशन वही है ना, अंडरटेकिंग डीमर्ज ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होना चाहिए इन केस ऑफ डीमर्जर, है ना। ये दो कंडीशन हो गया, सारे एसेट लाइबिलिटी होने चाहिए उसके किसके, रिजल्ट या रिजल्टिंग कंपनी के, डीमर्ज कंपनी का एसेट लाइबिलिटी रिजल्टिंग कंपनी के होना चाहिए, और ऑल द एसेट लाइबिलिटी अंडरटेकिंग का जो है, अंडरटेकिंग का वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होना चाहिए। और रिजल्टिंग कंपनी इशू कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर इट्स टू शेयर होल्डर डीमर्ज कंपनीज एंड प्रोपोर्शनेट, जितना उसका होगा हिस्सा उतना उसको दे दो। फिर बात आती है किसकी, द शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 75, मतलब 75% से कम नहीं होना चाहिए होल्डिंग। नेक्स्ट बात आती है किसकी, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग इन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, कैसे ट्रांसफर होना चाहिए, गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है नोट, एक नोट लिखा है, देखो क्या है, इंडेक्सेशन बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये इसके लिए नहीं, ये ऐसे मैंने नोट यहाँ पे डाला है, क्या डाला है, देखो डिबेंचर अदर देन, तो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो किसके लिए अप्लाई नहीं है, बॉन्ड और डिबेंचर के लिए अप्लाई नहीं है, बट दो ऐसे बॉन्ड है जिनके लिए अप्लाई है, क्या, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन दोनों के लिए क्या है, अप्लाई है इंडेक्सेशन में। इन इन डेप्रिशिएबल एसेट, अगर डेप्रिशिएबल एसेट देयर विल बी नो इंडेक्सेशन, कैपिटल गेन ऑलवेज इज सटक जी, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है ना तो हमेशा सटक जी आएगा, कैसे आएगा हम पढ़ेंगे आगे। द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेस कितना है, 2001-2 का 100 था, अभी का 280, ये मैंने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट सेक्शन 48, कैपिटल गेन ऑफ नॉन रेसिडेंट इन केस ऑफ असेसी हु इज नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, एसेट शुड बी शेयर या डिबेंचर होना चाहिए, एसेट एक्वायर फॉरेन कंपनी फॉरेन करेंसी में, एसेट जो हम अभी देखो क्या होता है कि कोई एक नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, और शेयर डिबेंचर को इंडियन कंपनी का शेयर डिबेंचर परचेज करना चाहिए फॉरेन करेंसी में, किस में, फॉरेन करेंसी में, और री इन्वेस्ट किया गया तो भी फॉरेन कंपनी फॉरेन करेंसी में करना चाहिए, है ना। और उसको जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो फॉरेन करेंसी में ही कैलकुलेट करेंगे, और बाद में कैपिटल गेन को कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, ऐसा लिखा हुआ है। तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इनको अप्लीकेबल नहीं होगा, असेसी शुड बी नॉन रेसिडेंट इन द ईयर ऑफ सेल, ठीक है। तो मेथड ऑफ कन्वर्जन क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट एवरेज SBA का रेट होगा, तो TTBR मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, तो डेट ऑफ कन्वर्जन लेंगे उस दिन। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर क्या लेंगे, वही TTBR TTSR का जो होगा, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर भी क्या लेंगे, सेल कंसिडरेशन मतलब FVOCL भी लेंगे यही सेम रेट में, लेकिन जो कैपिटल गेन आएगा ना उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए TTBR मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट लगा के उसको कन्वर्ट कर देगा। नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी सब्जेक्ट टू टैक्स एट ए कंसेशनल रेट 10% दिया विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट और करेंसी फ्लक्चुएशन, बट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटी शेयर ऑफ कंपनी विच इज पब्लिक एंड नॉट सबस्टेंशियल इंटरेस्ट इन 112, मतलब क्या ये जो ऊपर दिया उसके लिए ना है रे बाबा, इसका क्या बोला कि मतलब जैसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट है 112 में की बात की है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्सेशन अगर बेनिफिट लेता है नॉन रेसिडेंट तो उसको कितना परसेंट लेंगे, 20%, अगर इंडेक्सेशन नहीं लेता है विदाउट इंडेक्सेशन तो 10%, आगे पढ़ेंगे। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन करेंसी विदाउट फ्लक्चुएशन नॉट अप्लीकेबल टू द, किसको अप्लीकेबल नहीं है, तो देखो यहाँ पे लिखा 112 एक अप्लीकेबल नहीं, इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट बता रहे ना वो नहीं है। 112 क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट, है ना, STT पेड बोथ परचेस और सेल के टाइम पे, तो इनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। क्या नहीं अप्लीकेबल है, इंडेक्सेशन, यहाँ पे लिखा ना मैंने इंडेक्सेशन। नेक्स्ट बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर रिसीव अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, अगर अमलगमेशन पे शेयर रिसीव हुआ तो उसका कॉस्ट क्या होगा, तो यही सिंपल सी बात, शेयर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी शैल बी टेकन एट कॉस्ट, ठीक, अमलगमेटिंग कंपनी का जो शेयर होगा वही इसका भी कॉस्ट बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ शेयर्स रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिबेंचर, है ना, किसमें, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये जो भी है, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा बताओ, कॉस्ट टू द पर्सन शेल बी डीम टू बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट इन रिलेशन टू द कॉस्ट एक्वायर्ड बाय दैट पर्सन, मतलब जो जिस कॉस्ट में एक्वायर किया था वही कन्वर्जन किया तो भी वही कॉस्ट होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी,
स्वेट इक्विटी क्या होता है, जो एम्प्लॉय को मिलता है, कौन देता है, कंपनी उसको देती है एम्प्लॉय को कि भैया तुम कम दाम पे शेयर खरीद दो। तो कम दाम पे तो उनका कॉस्ट क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू हैज बीन टेकन इन टू अकाउंट फॉर परक्विजिट वैल्यूएशन, जो अमाउंट उसका परक्विजिट वैल्यूएशन के लिए लिया गया था वही हो जाएगा उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूनिट एक्वायर्ड अंडर कंसोलिडेशन प्लान और स्कीम। ये दो, कंसोलिडेशन प्लान या कंसोलिडेशन स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वही कंसोलिडेशन ट्रांसफर जो भी मिला डीम टू बी कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स रिसीव एट ए टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कॉस्ट प्रेफरेंस शेयर का होगा वही इक्विटी शेयर का कॉस्ट बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ शेयर रिसीव इन रिजल्टिंग कंपनी, हमारी रिजल्टिंग कंपनी का कॉस्ट क्या होगा, तो देखो बहुत सिंपल सा मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ए इंटू बी डिवाइड बाई सी। ए क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर हेल्ड इन द डिमर्ज कंपनी, जो डिमर्ज कंपनी कॉस्ट हेल्ड करके रखी थी वो डिवाइड बाई नेट बुक वैल्यू, सॉरी इंटू नेट बुक वैल्यू डिवाइड बाई नेट वर्थ ऑफ डिमर्ज कंपनी इमीडिएटली बिफोर द डिमर्जर, है ना, तो इमीडिएटली बिफोर द डिमर्जर इसको लेंगे। ये देखो तो यहाँ पे आ गया नेट, तो क्या करोगे, कॉस्ट जो हेल्ड करके रखी वो डिमर्ज कंपनी किसका, शेयर का, इंटू नेट बुक वैल्यू जो ट्रांसफर किया है किस पे, डिमर्ज में, डिमर्जर में, और नेटवर्थ बिफोर डिमर्जर उसके रेशियो में उसको कॉस्ट मान लेंगे। नेक्स्ट बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर हेल्ड बाय डिमर्ज कंपनी, शेयर जो बचा है ना हमारे पास शेयर, कौन, डिमर्ज कंपनी, जैसे टाटा ने तनिष्क को अलग किया तो तनिष्क का हमने कॉस्ट ऊपर निकाल लिया, इधर रहा ये तनिष्क का, लेकिन अब टाटा का कितना बचा हुआ शेयर वो कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट उसका मान लिया जाएगा जो उसके पास था ओरिजिनल माइनस जो उसको दे दिया, कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। ठीक, नेक्स्ट बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर 56 to 10। सर अगर 56 to 10 हमारा गिफ्ट वाला था ना, तो उसके अंदर कॉस्ट हम क्या मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू और एसडीवी जो हमें मिला था, है ना, क्यों इसमें प्रीवियस ओनर क्यों नहीं लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर शैल नॉट बी इंक्लूड, क्यों प्रीवियस ओनर का कॉस्ट नहीं, क्योंकि हमने डबल टैक्सेशन नहीं देना ना, हमें गिफ्ट के टाइम पे 50,000 से ज्यादा था ना अमाउंट, तो तभी हमें को पकड़ लिया गया, हमें तभी हमने टैक्स भर दिया था, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट मान लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट बीइंग शेयर इन प्रोजेक्ट रिपर 5A JDA जॉइंट डेवलपमेंट है, उसका कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट वही जो मैंने बताया था ऊपर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस कैश अगर दिया तो कुछ। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 55 किसकी, इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन का नहीं लेंगे भैया गुडविल, कॉस्ट नहीं लेंगे, क्यों, बीसीसीआई में ऐसा सेटी एक केस लॉ था जिसके अंदर ऐसा हुआ था कि प्रोफेशन का नहीं सिर्फ गुडविल का लेंगे, बिजनेस गुडविल ऑफ बिजनेस का लेंगे नॉट प्रोफेशन। ट्रेडमार्क ब्रांड नेम राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल थिंग्स, मतलब पेटेंट कॉपीराइट की बात कर रहे हैं, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट, लूमार्स, है ना, इन सब का क्या है, जो एक्विजिशन है ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो क्या लेंगे, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो नील लेंगे, अगर परचेस्ड किया है तो सिर्फ परचेज प्राइस। ठीक, तो यहाँ पे नोट लिखा है द बेनिफिट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 नॉट अवेलेबल, इन लोग को अवेलेबल ये चीज नहीं होगी। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब का फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल होता है या नहीं, तो आंसर इज नहीं होता। नेक्स्ट बात आती है बोनस शेयर्स या सिक्योरिटीज, इफ इट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू, और या उसके बाद खरीदा या उस दिन खरीदा, है ना, तो नील माना जाएगा, और पीरियड ऑफ होल्डिंग अलॉटमेंट डेट टू ट्रांसफर डेट। नेक्स्ट बात आती है राइट शेयर, राइट शेयर मैंने बताया था कि अगर आपको राइट्स मिला है आप खरीदते हो तो अच्छी बात, नहीं खरीदते हो तो आप अपना राइट अपने फ्रेंड्स को दे दिए, अगर तो फ्रेंड्स से जो चार्ज लिया पैसा उसमें कोई कॉस्ट लगा आपका, तो कॉस्ट ये देखो कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, नील, और जो एफबीएससी क्या हो जाएगा, जो जिस प्राइस पे आपको उसने उसको रिनाउंस किया है, पीरियड होल्डिंग क्या माना जाएगा, रिनाउंस डेट, है ना, ऑफर डेट से रिनाउंस डेट तक। लेकिन अगर कॉस्ट हम खुद खरीदते हैं तो अमाउंट जो हमने पेड किया कंपनी को वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, अब एक बात, इन द हैंड ऑफ परचेसर ऑफ राइट, हमारा फ्रेंड के हाथ में क्या होगा, तो कॉस्ट उसका क्या हो जाएगा, जो हमें उसने पैसा दिया और कंपनी को दिया, दोनों पैसा उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग अलॉटमेंट डेट से काउंट होगा। रिलेशन, इन रिलेशन टू अदर कैपिटल एसेट तो कैसा होगा, अदर इसके जो ऊपर डिस्कस हुए उसके अलावा, तो कॉस्ट क्या होगा, 1/4/2001 के दिन, तो कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू मतलब एसेट एक्वायर बिफोर 1/4/2001, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाई, ये डिस्कस हो चुका ऊपर,
और एक्वायर्ड वन आवर आफ्टर, तो उसके बाद में सिर्फ कॉस्ट लेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सेक्शन 55 बोलता है कि इन केस ऑफ गुडविल बिजनेस पैटर्न कॉपीराइट राइट टू कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू ऑलवेज नील। इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं कर सकते भैया, इसके लिए कॉस्ट क्या हो जाए, नील। इन केस ऑफ अदर एसेट तो कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एक्सपेंस इनकर्ड जितना इम्प्रूवमेंट किया है ओनर आफ्टर 1/4/2001, अगर इसके पहले हुआ है तो इग्नोर करेंगे। ठीक, चलो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रिफर्ड अंडर सेक्शन 12AA। ये एकदम शांति से पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इस पे ध्यान देना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको। एक काम करो आप लोग, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो ब्रेक के बाद वापस स्वागत है। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और टैक्सेबिलिटी, 112A एक नया सेक्शन आया है। इसमें क्या है, इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी या यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इनसे जो मिला पैसा 1 लाख से ऊपर है, एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो वो टैक्सेबल होगा 10% के हिसाब से, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो। एसटीटी पेड बोथ परचेस और सेल के टाइम पर, अगर वो इक्विटी शेयर है तो। अगर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या बिजनेस ट्रस्ट है तो क्या हो जाएगा, एसटीटी पेड एट ए टाइम ऑफ सेल। तो बिफोर, अगर एसेट ये अक्वायर किया बिफोर 1 फरवरी, क्यों, इस दिन बजट आया था ना, उसके पहले वाला दिन, मतलब क्या 31 जनवरी या उसके पहले, मतलब 1 फरवरी से पहले अगर खरीदा है तो कॉस्ट क्या होगा, वो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं जानते। तो कॉस्ट हमारा माना जाएगा जो कॉस्ट होगा उसका एक्चुअल में, जो आपका कॉस्ट आपने लिया होगा कॉस्ट वो, और लोअर किसमें लोअर, इन दोनों का लोअर। तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू 31 तारीख को जो होगी, 31/1/2018 को जो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू होगा, और सेल वैल्यू जितने में हमने बेचा, उन दोनों में से जो छोटा होगा वो लेंगे। सपोज इस शेयर को मैंने बेचा, तो वो बेचा मैंने कितने का, मान लो वो बेचा मैंने 20 लाख का, 20 लाख का मैंने ये बेचा, और ये 20 लाख है, और इस दिन 31/1/2018 को इसकी वैल्यू थी 25 लाख, मान लो कितना वैल्यू थी, 25 लाख। तो इन दोनों में से छोटा कौन, ये छोटा, तो इस छोटे को हम ले लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, तो 20, यहाँ पे 20 लाख हो गया है ना। अब ये 20 लाख और हमारा सपोज कॉस्ट हमने 10 लाख में ही खरीदा था, या मान लो 30 लाख में खरीदा था, अगर मैंने इसको 30 लाख में खरीदा था तो 30 और 20 विच एवर इज हाई क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 30, तो हमारा कॉस्ट क्या माना जाएगा, 30, समझे। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि इसमें कॉस्ट क्या होगा। नेक्स्ट बात आती है किसकी, कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, 31 तारीख का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो क्या होगा। अगर हम कहें कि हमारा 31 तारीख का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो कैसे, अगर उस दिन ट्रेड रहा तो हाईएस्ट कोट प्राइस हम ले लेंगे, अगर ट्रेडिंग नहीं हुआ तो उसके पहले कब ट्रेडिंग हो रहा था वो हम देखेंगे। देख रहे हैं आपको इसमें, उसके पहले कब ट्रेडिंग हो रहा था वो हम डेट को काउंट को करेंगे, जिस दिन वो एक्सचेंज हो रहा था। अब बात आती है इन केस ऑफ यूनिट, शेयर्स यूनिट नॉट लिस्टेड ऑन, अगर लिस्टेड ही नहीं तो फेयर मार्केट वैल्यू जो एसेट नेटवर्क वैल्यू लिखा होगा ना 31 तारीख को बुक में, वो इन केस ऑफ शेयर नॉट लिस्टेड, अगर यूनिट से तो नाव ले लेंगे खत्म हो जाएगा, बट अगर शेयर्स की बात हो रही है लिस्टेड नहीं है तो क्या करेंगे, बट लिस्टेड आफ्टर डेट हुआ है तो क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट CII, मतलब क्या होता है बोलो, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, कभी का 17-18 का लेंगे, क्यों 17-18 में ही तो ये डेट ट्रांसफर का आया ना, तो 272 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय जिस साल शेयर क्या किया रहेगा, परचेस किया रहेगा, या उसके पहले अगर मान लो परचेस किया है 2001-2 के पहले, तो यहाँ पे 100 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 100, मतलब इस साल का इंडेक्स क्या था 100, विच एवर इज लेटर, हमने परचेस किया 1/1/2002 के पहले तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, उसके बाद क्या, तो उस साल का जो इंडेक्स होगा वो आएगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एचीवर, इसकी जो कहानी है वो ये है कि इसमें जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख का जो बेनिफिट मिलता है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल रहा तो ही मिलेगा उसको, ओनली बोल दे ओनली।
डिडक्शन चैप्टर 6 ए का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा 112 ए में, और रिबेट 87 भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये फालतू के लिए मुझे समझा नहीं क्यों, क्योंकि अगर मैं 2.5 लाख का एग्जेम्पशन ले लूँ और 2.5 लाख के बाद में रही बात एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख तो वैसे एग्जम्प्ट है, मतलब 3.5 लाख, 3.5 लाख से अगर ज़्यादा होगा तो रिबेट वैसे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी चलो काम है तो पढ़ेंगे। इंडेक्सेशन नॉट अलाउड इन कंपटीशन ऑफ क्या 112, तो चार चीज़ें याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट, याद आया कुछ डिप्रिशिएबल एसेट पढ़ा था। ओहो, अब डिटेल डिस्कशन इसका हम करेंगे चैप्टर किस में, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। फिलहाल थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते। देखो एग्जांपल मैंने दिया, WDV 5,000 है परचेज किया और मैंने 10,000, 15,000 टोटल हो गया, 12,000 हमने सेल कर दिया, 3,000 बैलेंस बच गया। ये बैलेंस नेगेटिव में है याद रखना या पॉजिटिव, मुझे बताओ। ये बैलेंस किसका, कॉस्ट का ही बचा हुआ है ना, 15,000 कॉस्ट था, 12,000 माइनस हुआ। तो मुझे बता, मैं ब्लॉक है ना, ब्लॉक 3 था, 2 और खरीदा, 5 हुआ, 5 का 5 पूरा बेच दिया 12,000 में, तो 3,000 मेरा कॉस्ट रिकवर करना बाकी, लेकिन ऐसे नहीं है बराबर। और 5,000 3, 10,000 2, 15,000 में का कॉस्ट था, हमने 18 का बेचा, तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब ये प्रॉफिट, ये मानते हो ये लॉस है ठीक, और ये क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब बात आती है किसकी, अगर थोड़ा बेचा तो 3,000 2,000 5,000 5,000 10,000 15,000 12,000 का बेचा, 3 ही एसेट बेचा, सिर्फ अभी भी 2 बचे हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, है ना। ऑल कॉस्ट नॉट रिकवर्ड, ब्लॉक इज रिमेनिंग, बट यहाँ पे पूरा ब्लॉक बचा है क्या, हाँ बचा है 2, लेकिन कॉस्ट पूरी रिकवर, 15,000 हमारा कॉस्ट था, 18,000 का बिका, मतलब 3,000 ज्यादा रिकवर कर लिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो देखो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है ना, और यहाँ पे भी प्रॉफिट है, तो कैसे याद करेंगे, अगर पूरा ब्लॉक सोल्ड कर दिया या थोड़ा ब्लॉक सोल्ड किया तो कैसे पढ़ेंगे, ऑल सोल्ड सम सोल्ड, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो कैसे पढ़ेंगे, ऑल सोल्ड सम सोल्ड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो वापस मेरे साथ बोलो, ऑल सोल्ड सम सोल्ड पॉजिटिव नेगेटिव, सेटक लॉस सेटक जी डेप्रिसिएशन सेटक जी, वापस बोलो एक बार, ऑल सोल्ड सम सोल्ड सम सोल्ड पॉजिटिव नेगेटिव सटक जी सटक लॉस सटक जी डेप्रिसिएशन सटक जी। आगे बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है भैया, फाइनल तक पीछा नहीं छोड़ता। 50B स्लम सेल मीन्स असेसी ट्रांसफर द एंटायर अंडरटेकिंग डिविजन ऑफ लमसम, छोटा छोटा एसेट नहीं बेच रहा 10 रुपए का ले लो 20 रुपए का ले लो, नहीं पूरा असेट को पूरा, स्लम सेल मतलब झोपड़ा नहीं बजा, स्लम सेल मतलब होता है कंपनी के किसी यूनिट को बेच देना, तो उस यूनिट को बेच रहे तो एक एक एसेट नहीं पूरा स्लमसम अमाउंट में सब कुछ बेच दिया। तो देखो क्या है, कंसिडरेशन विदाउट साइनिंग द वैल्यू, एक लमसम अमाउंट में बेचा तो क्या हो जाएगा, अब पढ़ते हैं है ना, क्या पढ़े बोलो, कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल ऑफ अंडरटेकिंग 50B Is the undertaking held? अगर undertaking आप 36 महीने से ज़्यादा held किए थे क्या? Answer is yes. तो लटक जी होगा। अगर 36 महीने या उससे कम किया था तो no. मतलब more than 60 month ही है लेकिन ना मतलब इससे कम हुआ है तो सटक जी आएगा। तो normal rate से आपका tax लगेगा। लेकिन लटक जी हो गया ना तो indexation का benefit वैसे भी नहीं मिलेगा और लटक जी है तो taxable at the rate 20% होगा। Computation मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। VOC जो लमसम condition आएगा, consideration आएगा, ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ है तो माइनस कर लो, नेट कंसीडरेशन आएगा, अब इसमें से कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नेटवर्थ मानेंगे। नेटवर्थ क्या है हम पढ़ेंगे नीचे। नेटवर्थ मतलब एसेट्स, अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसका WDV जो दिया होगा एज पर इनकम टैक्स, अगर अदर एसेट है तो उसका बुक वैल्यू ले लो, टोटल कर लो, लाइबिलिटी बुक वैल्यू माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे कुछ नोट लिखे है, रिवोल्यूशन इग्नोर होगा, क्यों रिवोल्यूशन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट किसकी बात आती है, अगर एसेट का नेगेटिव आ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे नील, अगर नेटवर्थ क्या है नेगेटिव है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मान लेंगे। नो प्रॉफिट अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन सेल इवन इफ स्टॉक इज ट्रांसफर स्लम सेल, स्लम सेल कर रहे तो कैपिटल गेन ही आएगा, बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाएगा है ना बिजनेस प्रोफेशन का। कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ इफ असेट्स ऑन डिडक्शन ऑफ 35 AD, अगर 35 AD का बेनिफिट ले लिया, हम बिजनेस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे,
अगर क्लेम लिया हुआ है उसमें 100% या 150% डिडक्शन मिल जाता है तो उस एसेट का वैल्यू क्या मानेंगे हम? निल मानेंगे। आगे बात करते हैं 50C स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज FVOC। स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू को ही मान लेते हैं हम FVOC। तो देखो क्या है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को FVOC कम मान लेंगे जब हमने कहा कि भैया असेसी ने कम दिखाया, लेस देन SDV, जो SSC ने बेचा FVOC, जो सेल प्राइस है वो कम दिखाया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी बोलेगी नहीं भैया हम किसको मान लेंगे, SDV को ही मान लेंगे, स्टैंप ड्यूटी सॉरी FVOC। तो देखो क्या लिखा, इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बोथ इमोबाइल प्रॉपर्टी हेल्ड एज कैपिटल एसेट इफ सेल कंसिडरेशन इज लेस देन SDV असेस्ड और असेसेबल बाय स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी FVOC। हाउएवर द SDV डज नॉट मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन इन अमेंडमेंट है। तो 105% सपोज आप बोल रहे थे कि 9,50,000 है, तो 9,50,000 आप बोल रहे हो और SDV उसका 10,00,000 है तो आपने कम दिखाया, ठीक है, तो 9,50,000 का 105% करो, अगर वो 10,00,000 से ज्यादा होता तो फिर वही ले लो, कितना 9,50,000, लेकिन 10,000 से भी कम होता है ना तो फिर 10,00,000 आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो रहेगा वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। लेकिन वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर किया जा सकता है केस, अगर हमने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया, डिस्प्यूट नहीं किया, तो अपील फाइल नहीं किया, तो कब किया जा सकता है? देखो, मोर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर उसने निकाला, जो एसटीवी 10,00,000 बोल रहा था कौन, इनकम टैक्स ऑफिसर, उससे ज्यादा उसने अगर निकाला वैल्यू तो इग्नोर करेंगे, लेकिन उससे कम दिखाया ना तो फिर FVOC वही अमाउंट मान लिया जाएगा। ये लिखा है आपने पढ़ लेना, इसमें अच्छे से लिखा मैंने क्लियरिंग डेट जो चेक वेक के बाद की है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है 50CA फेयर मार्केट पे अनकोटेड शेयर्स। अनकोटेड शेयर क्या होता है? जो कोटेड नहीं होता। तो कोटेड क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया है। कोटेड शेयर मतलब होता है शेयर कोटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रेगुलरली टाइम टू टाइम कोटेशन, ये सब ये है कोटेड शेयर। अब क्या बात है, इन केस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी मतलब अदर देन कोटेड शेयर हेल्ड एज कैपिटल एसेट इफ सेल कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू से आप कम में बेचते हो तो आपका फेयर मार्केट वैल्यू ही मान लिया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट बात आती है वेयर द सेल कंसिडरेशन इज नॉट असेटेबल और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपका कंसिडरेशन सेल आपका फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब क्या, कोई भी एसेट ट्रांसफर करो जिसका आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसका सेल कंसिडरेशन क्या होगा, तो उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही मान लो। नेक्स्ट बात आती है एडवांस मनी फॉरफिटेड टोकन मनी। पहले क्या होता था कि कोई घर लेना है आपको या एसेट, तो आप टोकन दे देते 2,00,000-3,00,000, फिर क्या होगा लोग सोचते थे नहीं नहीं जाने दो जो, या कुछ हो गया जिसके कारण बस सामने वाले ने घर नहीं खरीदा, तो टोकन मनी आपके लिए फ्री में पैसा आ गया। तो फ्री में पैसा आ गया तो अगर वो पैसा 1/4/2014 के पहले आया होगा तो वो तो भैया कॉस्ट से लेस हो जाएगा बिना इंडेक्स किए, लेकिन 1/4/2014 या उसके बाद आया है ना तो वो पैसा आपके लिए फ्री में मिला, आपको गिफ्ट समझ के, गिफ्ट के जैसे ही समझे, मतलब 56(2)(9) में आपको चार्ज किया जाएगा टैक्स इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आगे बात आती है किसकी, 55A रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर को केस कब रेफर करेंगे, ये दिया है मैंने, पढ़ लेना आप लोग, थोड़ा बता ही देता हूँ इससे, चलो रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो भी ओपिनियन देगा कैसे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ओपिनियन जो भी आया वो क्या होना चाहिए, 15% ऑफ वैल्यू क्लेम बाय SEC और 25,000 विच एवर इज लेस, है ना। तो ये केस में वैल्यूएशन ऑफिसर को केस जाएगा किसके लिए, वैल्यू करने के लिए एसेट का, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है किसकी, एग्जम्पशन की, एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन दो टाइप के, अंडर सेक्शन 10 और अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54E, C, 54EE और 54F, ये इतने सारे एग्जम्पशन आपको हैं, कौन IPCC वालों को, नॉट फाइनल, फाइनल वाले को और भी। तो एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 10 के अंदर क्या है, देखो 1033 के तहत एग्जम्प्ट क्या है, एग्जम्प्ट क्या है, यूनिट्स ऑफ ट्रांसफर, यूनिट्स ऑफ यूनिट स्कीम 1964 वाला। नेक्स्ट बात आती है एग्जम्पशन कैपिटल गेन कंपलसरी एक्विजिशन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड स्पेसिफाइड अर्बन एरिया विद इन स्पेसिफाइड एरिया, याद है वो कुछ 1037 वाला एग्जम्प्ट है क्या, 2 साल या उससे ज़्यादा आपके पापा या आप खेती किए रहने चाहिए, एग्रीकल्चर है ना, और इसी शुड बी इंडिविजुअल अचीव, तो आपका एग्जाम हो जाएगा 1037 में।
नेक्स्ट बात आती है एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में एक घर रहा, एक घर रहा है ना, खरीदा रेसिडेंशियल हाउस, तो एलिजिबल एसएससी, एक घर के बदले एक घर खरीदा, एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल एचईएफ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एसओपीबी, क्यों? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, सिर्फ बिजनेस है तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। शैल बी एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्ट कब होगा? अमाउंट कैपिटल गेन यूटिलाइज फॉर द परचेस कंस्ट्रक्शन ऑन अदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एसओपीबी। तो आप कोई घर ट्रांसफर किए अदर देन बिजनेस वाला, और आप घर खरीदते हैं दूसरा या बनाते हैं अदर देन बिजनेस वाला, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। टाइम लिमिट कितना है उसका? अगर आपने आज बेचा तो आज के एक साल पहले के अंदर अंदर घर बनवाना चालू कर देना चाहिए, या आज घर बेचा तो आज के दो साल के अंदर अंदर परचेस कर लो, या कंस्ट्रक्ट करवा लो तीन साल के अंदर अंदर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। स्कीम ऑफ डिपॉजिट, आप डिपॉजिट कर सकते हो, जितना कैपिटल इस अकाउंट में डिपॉजिट करोगे उतना ही आपको कैपिटल गेन अकाउंट में अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अगर आप इंडिविजुअल एसएससी हो, सीधी सी बात है 31 जुलाई के पहले पहले आप इसमें डिपॉजिट स्कीम में पैसा डाल दो, नहीं डालोगे तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। द डिपॉजिट शुड बी, अगर परचेस नहीं कर पाया तो है ना, द डिपॉजिट शुड बी यूटिलाइज फॉर द परचेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विद इन टाइम लिमिट जो आपको दिया गया है। अगर मिस यूटिलाइज किया तो एग्जेम्पशन आपका जो लिया है विदड्रॉ हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। इफ हाउस प्रॉपर्टी, इफ हाउस परचेज आउटसाइड इंडिया, सीधी सी बात है भैया इंडिया के बाहर गए तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, है ना। अब आगे बात आती है अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितना अमाउंट होगा? तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो आपका होगा वो जिसमें से माइनस करना है, और कॉस्ट ऑफ जितना हाउस प्रॉपर्टी या जो डिपॉजिट में डाले, है ना, दोनों में से जो कम होगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन 54 विल बी गिवन ओनली वन रेसिडेंशियल, एक घर होगा तो ही, दो तीन खरीदा तो नहीं। लॉक इन पीरियड कितना? तो घर तीन साल तक ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, अगर ट्रांसफर किए तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ना, तो क्या हो जाएगा, आपके जो आपने लिया है एग्जेम्पशन उसके ऊपर टैक्स वापस लग जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। 54B बोलते हैं एग्जेम्पशन ऑन द ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करो उसके बदले चाहे अर्बन में चाहे रूरल में घर ये लैंड खरीदो, है ना, तो उस पर आपके पेरेंट्स से आप दो साल तक क्या होना चाहिए, खेती किए रहना चाहिए एग्रीकल्चर पर्पस। टाइम लिमिट क्या है? न्यू एग्रीकल्चर लैंड दो साल के अंदर अंदर खरीद लो, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। स्कीम ऑफ डिपॉजिट सेम एज 54 जो आपने ऊपर पढ़ा, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड और डिपॉजिट व्हिच एवर इज लेस। लॉक इन पीरियड सेम एज 54 तीन साल, एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल एचईएफ सेम एज 54। नेक्स्ट बात आती है किसकी? कंपलसरी एक्विजिशन इन इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग 54DDD फॉर दादागिरी, गवर्नमेंट आपका लैंड एंड बिल्डिंग कंपलसरी एक्वायर कर लेता है और आपको पैसे देता है। पर्पस क्या है इसमें? एटलीस्ट 2 ईयर्स आपका इंडस्ट्रियल लैंड के लिए यूटिलाइज होना चाहिए तो एग्जेम्पशन तभी मिलेगा। तो द एग्जेम्पशन इफ द कैपिटल गेन इज परचेस और कंस्ट्रक्शन अनदर लैंड एंड बिल्डिंग तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। अरे गवर्नमेंट ले लिया तो आपने दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग तो लिया होगा ना उसके लिए या बनाया होगा, तो टाइम लिमिट उसके लिए क्या है? देखो न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी परचेज विद इन 3 साल के अंदर अंदर, नहीं खरीदा तो नहीं मिलेगा। अरे भैया लेकिन 3 साल कहाँ से? 3 साल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कंपनसेशन जिस दिन से पैसा दोगे तो खरीदूंगा ना, तो जिस दिन पैसा दिया उस दिन से 3 साल, खतरनाक है, पूछ सकते हैं आपको। स्कीम ऑफ डिपॉजिट 54 सेक्शन जो है अपना ऊपर पढ़ा उसके जैसे, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग जितने में लिया या डिपॉजिट किया विच वेरी लेस। लॉक इन पीरियड वही सेम एज 54 3 साल, एलिजिबल एसएससी ऑल एसएससी पूछ सकते हैं आपको। 54EC एग्जेम्पशन इन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एनी ये अमेंडमेंट है, पहले लैंड एंड बिल्डिंग था अभी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 54EC ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ एसेट शैल बी एग्जेम्प्ट इफ। अच्छा एक गलती हुई यहाँ पे, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था पहले, अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग ऐड करा दिया और बोथ, ठीक है। अगर सेक्शन 54EC यहाँ पे जो आपको एनी लॉन्ग टर्म यहाँ पे हटा दिया है, ये आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अमेंडमेंट क्या हुआ इसमें,
एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के जगह पे क्या लिख दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। तो एग्जेम्पशन कब मिलेगा, जब आप लैंड एंड बिल्डिंग या उस बोथ दोनों को ट्रांसफर करोगे, है ना। एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन यूटिलाइज फॉर द परचेज ऑफ बॉन्ड ऑफ किसका, NHAI या RECL, PFCL और RFCL, एक दो बॉन्ड और है जो नोटिफाई गवर्नमेंट ने की है उसकी भी सेम इसमें, या अदर बॉन्ड नोटिफाइड उसमें इस बार नोटिफिकेशन है उसके लिए मैंने अमेंडमेंट लेक्चर डाला, आप उसको देख सकते हो। तो टाइम लिमिट इसकी क्या है, 6 महीने के अंदर अंदर डिपॉजिट करोगे तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। स्कीम ऑफ डिपॉजिट, भैया डिपॉजिट ऊपर कर ही रहे हो तो स्कीम नहीं मिलेगा इसमें। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ये ध्यान रखना, इसका थोड़ा अलग है एग्जेम्पशन। जो अमाउंट आपका कैपिटल गेन हुआ, TAL लिख लेना यहाँ पे, कैपिटल गेन हुआ या कॉस्ट ऑफ बॉन्ड है, जो बॉन्ड जितने का खरीदा, और मैक्सिमम 50 लाख, विच एवर इज लेस, NHAI RECL का फुल फॉर्म लिखा है। फिर यहाँ पे लॉक इन पीरियड कितना होगा, 5 साल, पहले यहाँ पे 3 साल हुआ करता था, अभी कितना, 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर किया तो आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेते, ये भी एलिजिबल फॉर ऑल एसेट्स। नेक्स्ट बात आती है 54EEE फॉर डबल ई फॉर एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड अंडर यूनिट और स्पेसिफाइड फंड। एनी यूनिट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का, यूनिट्स खरीदा, स्पेसिफाइड फंड है कोई भी, उसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया स्टार्टअप प्रोजेक्ट, याद है कुछ, तो ऑल द प्रोविजन सेम एज 54EC जो ऊपर पढ़ा, एक्सेप्ट क्या, पीरियड ऑफ लॉक इन जो है ना वो 5 साल के बदले इसका 3 ही साल है। आगे बात आती है 54S, FF मतलब फर्स्ट हाउस, एग्जेम्पशन ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, घर खरीदा, एक घर आपके पास, आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट को बेच के एक्सेप्ट रेजिडेंशियल घर को छोड़ के, है ना। अमाउंट ऑफ नेट कंसिडरेशन यूटिलाइज परचेज कंस्ट्रक्शन ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी, एक और घर खरीद सकते हो ठीक है, अगर है पहले से तो, अगर नहीं है तो सिर्फ एक ही। तो टाइम लिमिट 54 वाला सेम, 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर और 3 ईयर आफ्टर कंस्ट्रक्शन। स्कीम ऑफ डिपॉजिट सेक्शन 54। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या है इसमें, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन दिया है, इफ द अमाउंट ऑफ नेट कंसिडरेशन फुल्ली यूटिलाइज फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन देन फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर पूरा यूटिलाइज किया तो पूरा, बट अगर पार्ट यूटिलाइज किया तो उसके लिए फॉर्मूला है, ग्रॉस जो आपका कैपिटल गेन होगा वो इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी और डिपॉजिट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। लॉक इन पीरियड सेम 54 वाला 3 ईयर्स, और ये भी एलिजिबल इंडिविजुअल अचीवर। एडिशनल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर द अवेलिंग एग्जेम्पशन, ऑन द डेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट असेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एक घर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। असेसी शुड नॉट परचेस एनी रेजिडेंशियल हाउस विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, जो 3 साल दिया है ना उसके अंदर कोई भी घर और नहीं खरीद सकते हो, खरीदोगे तो क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा आपका एग्जेम्पशन। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया किसका, ये देख लो, ओल्ड एक घर है, एक घर और खरीदा तो 54F मिलेगा, जीरो घर है एक घर खरीदा मिलेगा, दो घर है एक घर खरीदा नहीं मिलेगा, जीरो घर है दो खरीदा तो भी नहीं मिलेगा। समरी किसका, 54, 54B, 54D, 54F, 54EC, इसका सब का समरी दिया मैंने आप लोग के लिए बनाया अच्छे से, ये आप पढ़ लेना ठीक है। मेमोरी टेक्निक मैंने दिया है क्या, 54 बॉयफ्रेंड, क्या दिया है 54 बॉयफ्रेंड, कैसे याद रखो 54 बॉयफ्रेंड, 54, 54B, 54F, इसमें इंडिविजुअल और असेसी एलिजिबल होंगे, इंडिविजुअल असेसी और HUF ही क्या होंगे एलिजिबल, बाकी सबके लिए नहीं है। तो 54 बॉयफ्रेंड के लिए सिर्फ इंडिविजुअल, बॉयफ्रेंड हमेशा इंडिविजुअल और शादी किया तो क्या हो जाएगा HUF, बस ऐसे याद रखना। तो 54, 54B, 54F, 3 ऐसे सेक्शन है जिसके अंदर में एलिजिबल असेसी इंडिविजुअल और HUF है। नेक्स्ट बात आती है किसकी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 111 की, पढ़ लो कुछ नहीं इसमें, एकदम इजी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर जो आपने ऊपर पढ़ा 112A में, वही अगर ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहा तो 15% इज टैक्सेबल है STT पेड ऑन ट्रांसफर, है ना। बेनिफिट रेट 15%, फॉरेन करेंसी अगर कुछ है तो इंटरनेशनल FSC, नॉट पेड तो भी इन लोग का चलेगा। डिडक्शन चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा इनको, है ना। इनकेस ऑफ रेसिडेंस इंजुअल HUF कैपिटल गेन शैल बी सेटक जी, है ना, शैल बी टैक्सेबल एंड अनएग्जॉस्टेड बेसिस एग्जेम्पशन लिमिट। मतलब क्या कि अगर आपको, आप इंडिविजुअल और HUF हो तो क्या हो जाएगा, इन रेसिडेंट हो तो आपको 2.5 लाख का एग्जेम्पशन अगर अनएग्जॉस्ट रखा है। मतलब क्या कि आपने आपका इनकम है 3 लाख और 3 लाख में से 2 लाख आपके इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 1 लाख ही, तो आप 2.5 लाख माइनस करोगे तो 1 लाख पहले माइनस करो, 1.5 लाख अभी भी आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से पेंडिंग रहेगा, तो 1.5 लाख भी आप माइनस कर सकते हो किसी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और 50,000 के ऊपर 15% टैक्स भर दो।
नेक्स्ट बात आती है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। कुछ नहीं इसमें, अभी इसमें कुछ जानी नहीं बची। ऐसा बोलता है कि अदर देन यूनिट्स मतलब लिस्टेड सिक्योरिटी है, जीरो कूपन बॉन्ड है, या उसको पे करेंगे अगर 10% टैक्स पे कर तो विदाउट इंडेक्सेशन मिलेगा, 20% करते हो तो विद इंडेक्सेशन, और दोनों में से जो मोस्ट बेनिफिशियल होगा, मोर बेनिफिशियल होगा एसईसी के लिए, वो उसको दे दो। इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी 10% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर्स और शेयर सिक्योरिटीज शेयर्स विदाउट फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 जो हमने ऊपर पढ़ा। बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला हो या शॉर्ट टर्म हो, 111 ए वाला हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला हो, तो क्या होगा इनकेस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो बैलेंस टोटल इनकम अदर देन ये जो बात हुई अगर कम पड़ रहा है बेसिक एग्जेम्पशन में तो इनसे माइनस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अनयूटिलाइज ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा क्या था, कैपिटल गेन का रिविजन लेक्चर था। आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर लो और रिविजन करते रहो। हैप्पीनेस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस, ये आप सबको पता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू, टाटा।